नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो आरक्षक भर्ती को लेकर आपको एक असमंजस था कि अब से जो है आपकी जो कर्मचारी चयन मंडल आपकी आरक्षक की भर्ती नहीं करवाएगा। क्या ऑफलाइन होगी या एग्ज़ाम्स आपकी ऑनलाइन होगी? आरक्षक भर्ती PHQ द्वारा आपकी प्राइवेट एजेंसी द्वारा हायर करने का आपने सुना होगा कि अब PEB आपकी एग्ज़ाम नहीं लेगा पुलिस की। ऐसे आपके मन में बहुत सारे असमंजस और ख्याल आ रहे होंगे, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, भर्ती की तैयारी कर रहे हो उम्मीदवार, वो असमंजस में ना रहे। असमंजस में ना रहे इन द सेंस ये है कि आरक्षक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ही कराएगा पहले पेज की परीक्षा, मतलब आपका जो पेपर होता है वो आपका PEB ही कराएगा। आपको कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन होगा पेपर, फिर सोच रहे होंगे कि अरे प्राइवेट एजेंसी कराएगी अब तो एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्मचारी चयन मंडल ही आपकी पहली परीक्षा कराएगा, उसके बाद आरक्षक भर्ती कराई जाएगी या नहीं इस बात को लेकर भर्ती को तैयारी करने वाले उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती के लिए पहले फेज की कर्मचारी चयन मंडल ही कराएगा। इसके लिए PHQ को चयन शाखा द्वारा चयन मंडल को रूल बुक भेज दी गई है, ठीक है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कुछ क्वेरी है जिनके दूर होते ही मंडल इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, यानी आपका MP पुलिस का। PHQ की चयन शाखा में ADG संजीव शर्मा समी का कहना है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सिर्फ फिजिकल टेस्ट के में सहयोग लेने के लिए आउटसोर्सिंग के एजेंसी का हायर किया जाएगा। मतलब आपका जो फिजिकल होने वाला है, आपके प्री जो होता है पेपर होगा, वो पेपर आपका PEB और कर्मचारी मंडल द्वारा ही लिया जाएगा, ठीक है, बट आपका जो फिजिकल है वो आउटसोर्सिंग के द्वारा लिया जाएगा। पहले भी आउटसोर्सिंग एजेंसी की मदद ली जा रही है। उम्मीदवारों के लिए पहला फेज परीक्षा के लिए PHQ अपने स्तर से कोई अलग से एजेंसी हायर नहीं कर रहा है। यहाँ पर इन्हें क्लियर लिखा है, यह परीक्षा कर्मचारी मंडल ही कराएगा। वहीं मंडल द्वारा अपडेट किए जा चुके एग्जाम शेड्यूल की संभावना है कि भर्ती के लिए मंडल पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा अगले साल अगस्त अंतिम सप्ताह में या इसके बाद की आयोजित करा सकेगा। मंडल के कैलेंडर के अनुसार 2023 में अब तक की 5 परीक्षाएँ होनी है, उनका आयोजन अगस्त तक चलेगा। आरक्षक भर्ती को लेकर रूल बुक मिल चुकी है, कुछ क्वेरी है इन्हें दूर किया जा रहा है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मतलब जल्द ही आपका जो है आरक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके मन में जो डाउट है कि कोई नई एजेंसी आपको एग्ज़ाम लेगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले से चलता आ रहा है, जो आपके MPPEB कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके थ्रू ही आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो आरक्षक का एग्ज़ाम है वो अगस्त एंड या फिर सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके रखनी है। एक टू बैक आपको जो नोटिफिकेशन निकल रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से रखनी है। समय का अच्छा खासा समय आपके पास, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।